हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया है या फिर आपको यूट्यूब पे आए 10 से 15 दिन हो गए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि हमें एंड स्क्रीन क्यों यूज़ करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में, और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि क्यों हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम रौनक और आप देख रहे हैं द हेल्पिंग पॉइंट। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। तो गाइज, सबसे पहले आपको जाना है सिंपली क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना है youtube.com। उसके बाद आपको आना है अपने यूट्यूब स्टूडियो में, और यूट्यूब स्टूडियो में आने के बाद आपको वीडियो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको वो वीडियो सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एंड स्क्रीन यूज़ करना है। तो बस आपको जो वीडियो सेलेक्ट करना है उसके आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने पेंसिल के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बस नीचे की तरफ आना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं आई एम श्योर मेरा जो नेट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, इसलिए सॉरी फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में एंड स्क्रीन यूज़ किया हुआ है, बट मैं आपके लिए फिर से बता देता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं अभी मेरी वीडियो में कोई भी एंड स्क्रीन नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ देखने को मिलता है तो वो है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप अपना एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे वन वीडियो वन सब्सक्राइब्स, सबसे ज़्यादा मैं यही यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, और एक आपको मिल जाता है वन प्लेलिस्ट वन सब्सक्राइब, और एक मिल जाता है आपको टू वीडियोस। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है वन वीडियो वन प्लेलिस्ट, और वन एक आपको मिल जाता है वन वीडियो वन प्लेलिस्ट वन सब्सक्राइब। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। बस आपको सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तो जो हमारा सब्सक्राइब बटन है वो यहाँ पे आ चुका है, मतलब हमारा चैनल का लोगो। जैसे इस पर कोई आपका व्यूअर क्लिक करता है तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है बेस्ट फॉर व्यूअर। अब बेस्ट फॉर व्यूअर में आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंट अपलोड्स, और एक आता है बेस्ट फॉर व्यूअर्स, और एक आता है चूज स्पेसिफिक वीडियो। तो डेफिनेटली आपको थर्ड ऑप्शन पर ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद से कोई वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अपनी ऑडियंस या व्यूअर को दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बस सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड करी है वो सब यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वीडियो अपने व्यूअर या ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड नॉइस। ओके फ्रेंड्स, बस आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो वीडियो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे इनकी टाइमिंग एडजस्ट करने की, कौन से टाइमिंग पे आपको इनको शो करना है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वीडियो के एंड में ही आप इसे शो करें। तो बस आपको सिंपली इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इनको यहाँ से ड्रैग करना है और एंड में लेके जाना है। ओके फ्रेंड्स, तो बस ये देखिए यहाँ तक इनका लास्ट है, तो बस यहाँ तक आपको इनको ला के छोड़ देना है दोनों को, जितने भी आप एलिमेंट्स यूज़ करें सबको। तो आप देख सकते हैं इनकी जो दोनों की टाइमिंग है वो मैच हो चुकी है, सब कुछ परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से बस आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका जो एंड स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो आपकी वीडियो में ऐड हो जाता है। अब आप जाके देख सकते हैं कि आपकी वीडियो के एंड में ये एंड स्क्रीन कैसा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, इस तरह आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारे स्टेप्स हम अपने मोबाइल से भी करें तो आप डेफिनेटली अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। बस आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में रखना होगा, उसके बाद जो भी मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं वो सिर्फ आपको अपने मोबाइल पे फॉलो करने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमें एंड स्क्रीन
क्यों यूज़ करना चाहिए। तो हमें एंड स्क्रीन इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे जो हमारी वीडियो का जो एंड पार्ट आता है वो एक अच्छी तरीके से और एक प्रोफेशनल लुक में एंड होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि जब कोई व्यूअर आपकी वीडियो देखता है और वो आपकी वीडियो को एंड तक देखता है, तो जब आप अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो यही देखेगा कि आपने और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो वो डेफिनेटली आपकी वीडियो पे क्लिक भी करेगा और देखेगा भी। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है। और सेकंड जो होता है वो ये होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स गेन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना आप अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो देखा जाए तो एंड स्क्रीन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है तो आपको डेफिनेटली इसे यूज़ करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप कैसे अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन यूज़ कर सकते हो और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।